वर्तमान में युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब हमरामपुर दत्त नगर लगातार प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजन कराने से लेकर प्रतिभावान खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना है। क्लब खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया थीम लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब रामपुर दत्त नगर लगातार प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजन करने से लेकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। क्लब खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया थीम से लेकर आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में क्लब ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को SDM रामपुर नरेंद्र चौहान के माध्यम से सम्मानित भी किया। स्पोर्ट्स क्लब का कहना है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र स्कूली अथवा ओपन चैंपियनशिप में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को लगातार सम्मानित भी करता रहा है ताकि क्षेत्र के दूर दराज से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वाले क्षेत्र से संबंधित जितेंद्र जिन्होंने ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है जबकि स्कूली खेलों में सुनीता ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा स्कूली खेलों में निशांत व अनिता ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है और वे चाहते हैं कि युवाओं को जिन्होंने खेल में अच्छा काम किया है उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और सम्मानित किया जाए ताकि खिलाड़ियों को देखकर अन्य युवा भी खेलों के प्रति आकर्षित हों। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलों के दौरान बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली सुनीता ने कहा कि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। खेल कोई भी सुविधा एवं पसंद अनुसार चुने ताकि वे इस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकें और नशे जैसी कुरूतियों से दूर रह सकें। मेरा नाम सुनीता है, मैं इज़गात खान से आती हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने अभी हाल ही में स्कूली नेशनल जो दिल्ली में हुआ था उसमें मैंने गोल्ड पदक जीता है। और मैं चाहती हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मतलब खेलों के उसमें आए, जो मतलब ज़्यादा नशे नुशे ना करें और इससे मतलब खेलों का उत्साह भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, जो हिमाचल में चार ज़्यादा टीमें भाग जाती खेलतेगी। और नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि स्पोर्ट्स एक अच्छी पहल है। जितेंद्र ने कहा कि स्पोर्ट्स में सभी को आगे आना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है, मैं नित्तर तहसील का रहने वाला हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मैंने अभी हाल ही में हुए फोर्थ एलेट नेशनल सीनियर नेशनल जो कि बद्दी में हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया। और मैं सभी विनोद भाई और SHO साहब SDM साहब का शुक्रगुजारिश हूँ कि इन्होंने हमें इस तरह पुरस्कारित किया। मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक अच्छी पहल है, रामपुर से और ज़्यादा अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स निकले ताकि बच्चों को नशे से दूर रखा जा सके। और इसके अलावा मैं बच्चों को यही कहना